यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 91 पद संख्या 8। तुम अपनी आँखों से देखोगे कि किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है हम अपनी आँखों से देखें। कब? जब हम परमेश्वर के साथ। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लो, जब हम स्तोत्र ग्रंथ 23 पढ़ते हैं उसमें कहता है परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारे शत्रुओं के बीच में हमें बैठ कर एक भोजन का योग्य करेगा। हम अपनी आंख, आज का वचन कहता है हम अपनी आंखों से देखेंगे कि दुष्ट किस प्रकार नष्ट होता है। जब जब हम परमेश्वर के साथ, मेरे भाई और बहनों, जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं, हम हर एक चीज में परमेश्वर का हाथ देखेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं, हम हर एक चीज में उसकी करुणा, कृपा, दया देखेंगे। जब हम परमेश्वर के साथ नहीं है तो हमें किसी भी चीज में परमेश्वर का हाथ नहीं दिखेगा। भले वो हमारे लिए काम करते रहेगा, फिर भी हमें नहीं दिखेगा। मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लो, जिससे हम रिश्ता रखते हैं, जिससे हम प्रेम करते हैं, वो हमारे जीवन में क्या करता है, हमें छोटे से छोटे चीज भी पकड़ लेंगे। क्यों? क्योंकि हम उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, हम जानते हैं वो व्यक्ति हमसे प्रेम करता है और हम उससे प्रेम करते हैं, तो वो व्यक्ति हमारा जीवन में जो भी करेगा हमें हर एक चीज मालूम पड़ेगा। लेकिन जिस व्यक्ति से हम प्रेम नहीं करते, वो व्यक्ति हमारे जीवन में भले कार्य करता रहेगा, हमारे पीठ पीछे हमारे लिए भलाई करता रहेगा, फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। जिसके साथ रिश्ता रहता है, जिसके साथ जुड़े रहते हैं, हम हर एक चीज देखेंगे वो क्या कर रहा है। आज का वचन यही कहता है, मेरे भाई और बहनों, अगर हम परमेश्वर से जुड़े हैं, हम देखेंगे दुष्ट का विनाश। दुष्ट का विनाश क्या है? बीमारी नष्ट होते हुए देखेंगे, दुख नष्ट होते हुए देखेंगे, तकलीफ नष्ट होते हुए देखेंगे, बीमारी हमारे घर से जाते हुए देखेंगे, कमजोरी हमारे शरीर से जाते हुए देखेंगे। ये होता है दुष्ट का विनाश। हमारा आस पड़ोस का विनाश नहीं, हमारे बीमारी का विनाश हम देखें। इस समय मेरे भाई और बहनों, वो रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए, जोड़ने के लिए हम प्रार्थना करें। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, इस सुंदर वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है परमेश्वर हम तुझसे जुड़े हुए रहेंगे, हम हर एक चीज का विनाश देखें। आज परमेश्वर हम अपने आंखों को खोलने के लिए, हृदय को खोलने के लिए प्रार्थना करते हैं, तुझसे वो रिश्ता जोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं, मजबूत बनाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें वो करुणा, कृपा, वो बल प्रदान कर परमेश्वर के, पूर्ण रूप से हम हर एक चीज तेरे राज्य के अनुसार कर सके, पूर्ण रूप से परमेश्वर तेरी महिमा को अपने जीवन में काम करते हुए देख सके, उस प्रकार का विश्वास, उस प्रकार का रिश्ता हमें बना कर दे, और हर एक चीज तेरी ओर देते हुए ये प्रार्थना इस सुबह हम मांग कर कबूल करते हैं। आमीन। जय श्री।